नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले BS6 Duke 2020 के बारे में। दोस्तों BS6 Duke 250 के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको Duke 250 के सभी फीचर्स के बारे में पता चल जाए। तो यहाँ पर बेसिकली बताऊँ तो यहाँ पर कलर में और इंजन के अलावा आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। अभी अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको BS6 का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ है। और इसमें आपको थोड़ा सा पावर ड्रॉप डाउन देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको 0.2 से लेकर के 0.4 तक का पावर ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको पहले भी FI देखने को मिलता था और अभी भी इसमें आपको FI देखने को मिलने वाला है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो दोस्तों इसका जो टॉर्क है वो आपको अभी भी सेम देखने को मिलने वाला है। BS6 की वजह से इसका जो इंजन है वो और भी ज़्यादा रिफाइंड होने वाला है। अगर हम माइलेज की बात करें तो इसमें आपको वही सेम माइलेज देखने को मिलने वाला है जो कि आपको BS4 में देखने को मिलता था, यानी कि 30-40 के बीच में। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो इसका जो टॉप स्पीड है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि इसका पावर जो है वो भी थोड़ा सा कम होने वाला है। अभी अगर हम इसमें नेक्स्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पर हेडलाइट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसका जो हेडलाइट का डिज़ाइन होगा वो आपको वही सेम देखने को मिलेगा जो कि पहले देखने को मिलता था। बस पहले इसमें आपको हैलोजन देखने को मिलता था, पर अब इसमें आपको फुल LED देखने को मिलने वाला है, जिसमें DRL भी LED होंगे और जो हेडलाइट है वो भी LED होगा। इसके इंडिकेटर्स तो पहले से ही LED आते थे, तो वो भी आपको LED ही देखने को मिलने वाला है। पहले यहाँ पर अगर हम डिजिटल कंसोल की बात करें तो इसमें आपको पहले वही पुराना Duke 200 का डिजिटल कंसोल देखने को मिलता था, पर अब इसका डिजाइन चेंज हो सकता है। एज़ पर न्यूज़, इसका जो डिजिटल कंसोल है वो आपको दिखने में Duke 390 जैसा ही देखने को मिल जाएगा, पर जो फीचर्स है वो आपको Duke 390 जैसे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अभी अगर हम यहाँ पर कलर ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसके कलर और ग्राफिक्स में काफ़ी हैवी चेंज होने वाले हैं। प्लस इसमें आपको दो न्यू कलर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बॉडी के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो बॉडी का डिज़ाइन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कलर में ही चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस बाइक का जो प्राइस है वो 5,000 to 7,000 तक इंक्रीज़ हो सकता है। अगर हम लॉन्च की बात करें तो इसका जो लॉन्च है वो आपको मार्च के सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो था ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि मैंने न्यूज़ एक आर्टिकल पढ़ा था Duke 250 के बारे में, जिसके में मैंने आपको ये सब वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।